हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की सॉल्यूशन चैप्टर में, और जिसमें हमने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फोर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है, आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करती। आप कोई भी सॉल्यूट डालिए उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए हमने बात करी थी स्टूडेंट्स, क्या बात करी थी कि आप जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, प्योर लिक्विड के अंदर जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो हो जाता है डिक्रीज। ये आपको पता है, हमने लास्ट 3-4 वीडियो में ज़रूर से ये बोला है। ठीक है, अब देखिए आपको ये बात पता है। ठीक है, तो जब आपने किसी सॉल्यूशन बनाया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, तो जब आप उसको बॉइल करना चाह रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। उसी तरह जब अगर आप उसको फ्रिज करना चाहेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो -20 पे फ्रिज होती है, तो अब जाके वो -40 पे होगी, इट मींस बॉइलिंग, वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, बढ़ गया है। कैसे बढ़ा? -20 से अब हो गया है -40 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली ये बढ़ा ही है ना, पहले बॉइलिंग क्या हो रही थी, 100 डिग्री पे हो रही थी, उसके बाद बढ़ के हो गई 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसको नाम दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह से देखिए जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, -20 से हो गया है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्चुअली ये बढ़ गया है, मतलब पहले जहाँ जमने में 10 मिनट्स लग रहे थे फ्रिज होने में मान लीजिए, वहाँ अब बढ़ के 10 मिनट्स से लगने लग जाएंगे 20 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी है। ठीक है, इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा। आप समझना डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता गया, इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रिज होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो माइनस में बढ़ता है, फ्रीजिंग आपको पता है 0 से नीचे होती है, इसलिए आपने दिया है उसको फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? अब देखिए ये ग्राफ हमने पहले भी बनाया था, अच्छे से बना देते हैं थोड़ा बड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये था आपका वेपर प्रेशर और यहाँ था स्टूडेंट्स टेम्परेचर। आपको याद है हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी इसी तरह से ग्राफ बनाया था, वही ग्राफ हम इसमें भी बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपको पता है ये था आपका प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, और ये था आपका सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए थे आपने, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसकी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता कि सॉलिड है तो वेपर प्रेशर कैसे होगा। देखिए सब्लिमेशन आपने पढ़ा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, बहुत माइन्यूट होता है लेकिन होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे होता है, तो सॉलिड से
जो गैस में कन्वर्ट होगा तो उसके जो गैस बनेगी वो वेपर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब्लिमेशन के लिए आया, बाकी आप इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं इसमें, बस इतना ध्यान रखें कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है इतना? चलिए गुड है, अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका सॉलिड था, इसका वेपर प्रेशर ये है, थोड़ा सा स्टिप होता है डायरेक्टली, तो ये आपका जो प्योर सॉलिड है इस लिक्विड के, यहाँ ये लिक्विड है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है, ठीक है। तो हमने क्या फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन दिया था कि जो हमारा लिक्विड है इसका, ये ऊपर वाले जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और नीचे वाले फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। तो ये आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका लिक्विड का और ये है सॉलिड का वेपर प्रेशर, जहाँ दोनों मीट करे वो हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका है टी नॉट एफ, जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं मतलब जहाँ दोनों इक्वल आ गए वो आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। टी नॉट एफ का मतलब क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, नॉट उल्टा लिख दिया ये नॉट तो ऊपर आएगा और एफ नीचे, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, कॉपी कर रहे हैं ना आप, जल्दी जल्दी करते चलिए, ठीक है। अब फिर वही इसको आगे करते थे, ये देखिए यहाँ पे आके मीट हो रहा है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म उसकी और ये उसकी सॉलिड फॉर्म है, तो दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ आके मीट हो रहा है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हो गया टी एफ। टी एफ क्या है, इसे हटा देती हूँ। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए ध्यान से, प्योर का मान लीजिए -20 तो जो आपका सॉल्यूशन है इसका -40, तो फ्रीजिंग होने में टाइम लगेगा, इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना होगा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये जरूर से ध्यान रखिएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, डन, क्लियर। तो आई होप कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बहुत अच्छे से ध्यान आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉपी कर ही लिया होगा आपने इतनी देर में। अब देखिए हमारे पास वही, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का हमने इक्वेशन बनाई थी, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन बनाते हैं इस प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ क्या है? मोले लिटी। मोले लिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स अपॉन मास। तो डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम, यहाँ के एफ एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं, यहाँ नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वहाँ हमने नाम दिया था एब्योलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर या क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
कॉन्स्टेंट, आप कुछ भी बोल दीजिए इन तीनों में से, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं बताइए, ठीक है। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स करने, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट्स, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए आप याद रख लीजिएगा, जैसे के बी का वैल्यू हमने ध्यान रखा आपको याद है तो 0.52 था, उसी तरह वाटर के लिए के एफ का वैल्यू है 1.86 के केल्विन पर मोल। ये यूनिट अगर आपको ध्यान है कि हमने किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में फाइंड आउट करी थी, आप यहाँ पे 1.86 ध्यान रखिए। यूनिट बता देती हूँ अगेन, के एफ का यूनिट हो गया डेल्टा टी एफ अपॉन एम, इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर के जी, तो डेल्टा टी एफ की केल्विन अपॉन मोल पर के जी, तो हुआ ना केल्विन किलोग्राम पर मोल, कितना सिंपल है बताइए, इतना सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बहुत सिंपल, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम, एम क्या है यहाँ पे मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा था नॉन वॉलेटाइल, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में लिखते हैं के जी में, तो मोलेलिटी का यहाँ से यूनिट आ गया मोल्स अपॉन के जी। डेल्टा टी एफ याद रखिएगा टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ये के क्या है यहाँ पे किलो नहीं है केल्विन है, मोल मोल पर के जी, तो केल्विन के जी पर मोल। वाटर के लिए के एफ लर्न कर लीजिए, नहीं भी दे सकते हैं एग्जाम में 1.86, वहाँ पे के भी पढ़ा था 0.52, याद है आपको, वेरी गुड, फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम, वेरी नाइस। ठीक है, आइए अब यहाँ से इस के एफ की डेफिनेशन निकालते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकती है, डेफिनेशन ऑफ के एफ। सोचिए जरा कैसे हमने के एफ का डेफिनेशन निकाला, के बी का, के बी का कैसे डेफिनेशन निकाला था, सोचिए सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, याद आया, आया, वेरी गुड। तो के एफ If small m equal 1, क्या होता है 1 मतलब 1 मोल इन 1 के जी, क्लियर, 1 मोल इन 1 के जी, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ वेन, ऊपर लिखूं कहाँ लिखूं, आप खुद लिख लेंगे, सब बोल रहे हैं हम खुद लिख लेंगे, मैं ही लिख देती हूँ, when one mole of non-volatile solute add in 1 kg of solvent, then 1 mole in 1 kg में डाला, तब आपका डेल्टा टी एफ मतलब, डेल्टा टी एफ मतलब क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज बिकम्स इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। जब आपने 1 mole 1 kg में डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ के एफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल हो गया है, पूछ लेते हैं आपसे जरूर से, ठीक है, कॉपी कर ली, वेरी नाइस। अब आइए यहाँ हमने क्या बात करी थी, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम, डेल्टा टी एफ याद है आपको क्या बोला था, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ध्यान रखिएगा इसका, के एफ वाटर के लिए क्या बोला था 1.86, यूनिट बताइए केल्विन केजी पर मोल, याद हो गया है मैम हमें सब कुछ, आगे बताइए, तो सुनिए
क्या काम में आता है? डेली एप्लीकेशन सुनिए। आपने पहाड़ों पे गए हैं, पहाड़ों पे बर्फ गिर जाती है और वहाँ पे रोड जाम हो जाती है, ठीक है। रोड जब जाम हो जाती है तो व्हीकल्स निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जानते हैं हम ये बात, ठीक है। तो इसके वो बर्फ को जल्दी से, उसको ठंड रात में आती है, वो बर्फ जो है वो पिघलती है दिन में, रात में वो वापस जम जाती है, वापस वही समस्या दिन में। फिर मॉर्निंग में थोड़ी धूप निकली, बर्फ पिघली, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, रात में ठंडा, फिर वापस जम गई, बर्फ आइस में कन्वर्ट हो गई। तो इसको रोकने के लिए वो दिन में आइस के ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं, NaCl। सॉल्ट डालने से क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल है सॉल्यूट, आइस प्लस सॉल्यूट सॉल्वेंट बन, सॉल्यूशन बन गया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से, सॉल्यूशन बनने से फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिप्रेशन हो गया। इट मीन्स जहाँ वो मान लीजिए 0 डिग्री पे आइस वापस बन रही थी, वहाँ अब वो -20 पे या आगे बनेगी। इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होने में और टाइम लगा। तो वो इसलिए यूजफुल होता है ताकि बाद में मॉर्निंग में वो बर्फ आपको वापस जमी हुई नहीं मिले, क्लियर। या फिर आपको पता है व्हीकल्स में रेडिएटर्स कूलिंग करने के लिए वाटर डाला जाता है, ठीक है, कूलिंग के लिए। तो वाटर जो होता है, आपको पता है ठंडी जगह में जाएंगे तो वाटर तो जम जाएगा, वहाँ पे एंटी फ्रिज सॉल्यूशन डाला जाता है कुछ अमाउंट इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इथाइलिन ग्लाइकॉल जानते हैं आप क्या होता है, CH2CS2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो कुछ अमाउंट इथाइलिन ग्लाइकॉल का डाला जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो और भी कम हो जाए और बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो जाए, ठीक है। तो आइए अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फॉर्मूला है ΔTF=KFM। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल है आपका 2.9, ठीक है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम ऑफ 2.9 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। कोई कहेगा मैम NCERT नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा। लॉकडाउन है, NCERT अमेजन से मंगवा लें, फ्लिपकार्ट से मंगवा लें। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट मींस मास ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला। अभी अभी बताया इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला C2H6O2। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है यहाँ पे आपका 600 ग्राम्स। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, मतलब ΔTF कैलकुलेट करना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब TF भी कैलकुलेट करना है। तो आइए आपको पता है फॉर्मूला तो लिख लेते हैं पहले। KFM मोलिलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स देखिए यहाँ पे, इसके निकालिए। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2×12, 6×1, 2×32, सही है ना। ऑक्सीजन का 32 मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। कार्बन का 12 कितना हुआ, 62। डिवाइड करें, डिवाइड करने पर आया 0.73 मोल्स। मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो m का वैल्यू में 0.73। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 600/1000, 20 से 20 गई, 25 × 10, ठीक है। डिवाइड करें जल्दी से तो हमारे पास यहाँ आ गया इसका आंसर 1.2 मोल पर kg। अब आप तो जानते ही हैं ΔTF फाइंड आउट करना है, वाटर के लिए 1.86, 1.2 क्या हो जाएगा ΔTF का वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से इस 2.2 केल्विन। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है।
अब आप जानते हैं डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, फाइंड आउट करना है टी एफ, ठीक है। इसको यहाँ ले जाती हूँ और इसको इधर, तो टी एफ का वैल्यू आ गया टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ दे रखा था क्या हमें, वाटर का तो हम जानते ही है ना, वाटर का टी नॉट एफ कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, केल्विन में लिखना है, 273.15 माइनस 2.2, और ये आ गया आपके पास 270.95 केल्विन। सॉल्व कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, आप तो इंटेलिजेंट है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्वेल्थ में आ गए। डन, ओके देन, डन डना डन, नेक्स्ट करते हैं, आइए 2.10 मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, अरे स्क्रीन पे दिख जाएगा, 1 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्वेंट है बेंजीन, 50 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो गया है 0.40 केल्विन, कहाँ लिखा है मैम ये, तो देखिए 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, कितना कम कर दिया, मतलब डेल्टा टी एफ गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेक्शन कांस्टेंट गिवन है 5.12। अब यहाँ देखिए ये आपको बेंजीन का गिवन है इसलिए दे रखा है, वाटर का जरूरी नहीं है। मोलर मास निकालना है, बिल्कुल ये जो कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, इनसे आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सबसे मोलर मास आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको पता है फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम, के एफ एम, एम क्या होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मतलब मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो पहले एम, ओके तो यहाँ देखिए स्मॉल एम क्या है, मोल्स अपॉन मास इन केजी, मोल्स क्या है मास, मास ऑफ सॉल्यूट, तो स्मॉल एम बी, सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, स्मॉल एम बी अपॉन 1000 MB इंटू स्मॉल एम ए, आप इसको W से भी दिखा सकते हैं या स्मॉल m से दिखा दिए, एक ही बात है, बस लिख दीजिएगा साइड में कि मैंने स्मॉल m भी दिखाया है मास ऑफ सॉल्यूट और स्मॉल m ए दिखाया है मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है, ये आपको लिखना होगा बोर्ड के एग्जाम में। डेल्टा टी एफ का वैल्यू गिवन है 0.40, चलिए जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करते हैं, के एफ का गिवन है 5.12 इंटू, एम बी फाइंड आउट करना है आपको, नहीं 1 गिवन है इंटू 1000, एम बी फाइंड आउट करना है और ये गिवन है आपको 50, ठीक है कैंसिल कर दें 20, तो यहाँ से आपको ये इधर लेकर जाइए, एम बी इक्वल आ गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5.12 इंटू 20, 1 को हटा दिया, 0.40, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 2 जा 4 2 256 ग्राम, आ गया आपके भी इनके ग्राम, और ये किसका है मोलर मास है इसलिए ग्राम पर मोल। किसने, कितना इजी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, जिसका एक वीडियो एक सेपरेटली बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, बाकी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप सॉल्व करने का ज़रूर से ट्राई करें एक बार। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, किसी भी तरह के कोई डाउट होने पर आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।